हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसएल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज की नई वीडियो हमने आप लोगों के लिए इसलिए बनाई है क्योंकि OBE एग्जामिनेशन होने के बाद में बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिनके रिजल्ट्स जो है वो अच्छे नहीं आए थे, ER आ गई थी और ER आने के बाद में उनका रिजल्ट अटक गया था। उन लोगों को दोबारा लगा कि शायद हमें अब एडमिशन लेना पड़ेगा और दोबारा से हमें एग्ज़ाम देना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उनका रिजल्ट एक बार फिर से अपडेट हुआ और अब वो स्टूडेंट्स हो चुके हैं पास। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे रहे जिनकी उम्मीद ख़त्म हो गई थी और उनको लगा था कि शायद अब हम पास नहीं हो पाएंगे और हमें दोबारा से एग्ज़ाम देना पड़ेगा, जिसके लिए उन्होंने एडमिशन ले लिया था। सो गाइस, आप लोगों को अपना वो एडमिशन कैसे कैंसिल करवाना है, कैसे आपका जो एडमिशन होगा वो कैंसिलेशन में होगा, कैसे स्टूडेंट्स एक एप्लीकेशन फॉर्म के ज़रिए भर के उन्होंने जो भी फीस पे करी है उनकी पहली बात तो फ़ी भी रिटर्न आ जाएगी, पैसे भी रिटर्न आ जाएंगे, और दूसरी बात में उन स्टूडेंट्स को क्या करना होगा कि वो दोबारा एग्ज़ाम नहीं देंगे, फिर उनका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। कुल मिला के हम ये बात करें तो गाइस, ज़्यादा देर ना करते हुए आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। और ये फॉर्म आपको कहाँ पर सबमिट करना होगा ये बच्चे भी बात बार बार मुझसे पूछ रहे थे। दूसरी बात, आपको ये फॉर्म कहाँ से मिलेगा, तो आप लोग ये जो फॉर्म है ये मुझसे टेलीग्राम पर कलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें सोशल मीडिया पर विभिन्न प्लेटफॉर्म फेसबुक, इंस्टाग्राम, इसके अलावा ट्विटर, या फिर आप लोग हमसे टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ये फॉर्म आपको कहीं ना मिलता तो आप मेरे व्हाट्सएप पे मेरे से कलेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी मेरे से ले सकते हैं। सो गाइस, अगर आपको कहीं से फॉर्म नहीं मिलता तो आप व्हाट्सएप से भी मुझसे ये फॉर्म ले सकते हैं, जिसका नंबर मैं आप लोगों को स्क्रीन पर शो कर दे रहा हूँ, और इस नंबर पे आप कॉन्टैक्ट करके आप ये फॉर्म भी ले सकते हो। कोई दिक्कत नहीं, आपको कोई चार्जेस नहीं है, फ्री में आपको फॉर्म मिल जाएगा, कहीं परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ओके, सो अब नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द वीडियो। हम आज की इस वीडियो में हम ये बात कर लेंगे कि क्या प्रोसीजर रहेगा, क्या नहीं रहेगा, इसके बारे में भी। चलेगा, स्टार्ट करते हैं। गाइस, ये है फॉर्म, जैसा कि आप देख सकते हैं ये किस लिए, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के द्वारा निकाला गया फॉर्म है। बेसिकली वैसे इस फॉर्म को कौन से स्टूडेंट भरते हैं मैं आपको बता देता हूँ। ये स्टूडेंट्स वो फॉर्म भरते हैं जैसे कोई एडमिशन ले रहा होता है कट ऑफ के टाइम पे, रेगुलर कॉलेज के टाइम पे। ये पहली बात तो ये किस यूज़ में पहले आता था और अब किस यूज़ में आएगा मैं आपको ये भी बता दूँ कि जैसे कोई रेगुलर स्टूडेंट्स फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेता था और उसका नाम किसी एक कॉलेज में आता था, लेकिन उसने देखा जब दूसरी कट ऑफ लिस्ट आई और उसका नाम उससे बेहतर कॉलेज में आ गया जहां वो पढ़ना चाहता था, तो वो क्या करता था, स्टूडेंट्स यहां से अपनी जो फीस है वो विड्रॉ करवा कर उस नए कॉलेज में एडमिशन लेता था, और जिसके लिए उसको ये प्रक्रिया अपनानी पड़ती थी। सो गाइस, ये फॉर्म जो है आप लोगों को अब अपनी फीस को रिफंड लेने के लिए आपको ये करना पड़ेगा, लेकिन याद रहे इसके कुछ चार्जेस कटते हैं, इसमें भी कटेंगे श्योर है, लेकिन कितने पैसे कटेंगे ये मैं अभी आपको नहीं बोल सकता, ये आपको वहीं जाकर पता चलेगा जब आप इस फॉर्म को एसएल सबमिट करने जाएंगे। ओके, तो यहाँ पर आप लोगों बिल्कुल ही नॉर्मल है, देख सकते हैं जो भी स्टूडेंट अप्लाई कर रहा है उसका नाम, इसके अलावा मतलब कितना अमाउंट उसने क्लेम किया है, उसके बाद में किस तारीख को उसने क्या किया था, पेमेंट किया था, इसके बाद में वापसी का क्या कारण है, क्योंकि आप इसमें डाल दो कि पहले ER आई थी, ER अब क्लियर हो गई है। इसके अलावा उसका जो भी उसका URL था, आप जब पेमेंट करते हो तो आपके पास में मैसेज आता है कि भाई इस URL पे पेमेंट हुई है, उसका URL पेमेंट लिंक का आपको यहाँ पर डालना है। इसके बाद में आपको यहाँ पर कोर्स वगैरह मैंशन करना है, किस तारीख को आपने एडमिशन लिया था, यानी पेमेंट एसएल के स्टूडेंट्स ने जिस तारीख को भी पेमेंट करी है वो फीस रिसिप्ट आपने डाउनलोड करी होगी तो उस पर डेट लिखी होती है, आप उसकी डेट को यहां पर लिख देंगे। और इसके बाद में अंतिम तिथि, लास्ट डेट उसके क्या, एडमिशन की लास्ट डेट क्या थी, जैसे कि 22 फरवरी आप लोगों की सर्कुलेट हो रही थी, आप उसको देख सकते हैं। और यहाँ पर स्टूडेंट को अपने सिग्नेचर करने होंगे, यहाँ पर किस तारीख को आप संस्थान छोड़ रहे हो, यानी एप्लीकेशन जो लिख रहे हो आप उसको वो तारीख लिख देना। और इसके बाद में आवेदन करने की तिथि, यानी आप लोग जो अप्लाई कर रहे हो उसकी तारीख क्या है वो तारीख भी यहाँ पर मेंशन कर देना। इसके बाद में यहाँ पर आपको अकाउंट में आपके बैलेंस आएगा तो आपको यहाँ पर अपने अकाउंट्स की डिटेल देनी होगी, अकाउंट्स की डिटेल में जो भी आपसे पूछा गया है आप ये सारी चीज़ इसमें भर देंगे। अगर आपको कोई दिक्कत आती है इसको भरने में तो आप अपने बैंक से पूछ लेंगे, वैसे पासबुक फर्स्ट कॉपी में आपकी पासबुक होगी बैंक की, उसके पहले पेज पर आपको ये सारी डिटेल्स मिल जाएगी। ओके, इसके बाद में
यहाँ पर आप लोगों का मोबाइल नंबर वगैरह है, यहाँ पर इसको फिल कर देंगे और ये फॉर्म बिल्कुल छोटा सा ही है, आप इसको पूरी तरीके से फिल कर देंगे और फिल करने के बाद में यहाँ पर आपके स्टैंप वगैरह लगेगी वहाँ पर हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट के लिए, आप SOL में जाएंगे तो वहाँ पर लग जाएगी और इसके बाद में यहाँ पर आप पूरी तरीके से इस फॉर्म को फिलअप कर देंगे। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आप इसको फिल कर देंगे। अगर फिर भी अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप हमें कमेंट करके बताएं, हम आपको बता देंगे कि भाई इसको इस तरीके से फिल करना है। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे आवेदन बिना किसी, यहाँ पर आप इसकी जो भी नोट्स आप लोगों के लिए इंस्ट्रक्शन, तो गाइस नीचे आप लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट नोट लिखा हुआ है, आप इसे ध्यान से पढ़ लेंगे एक इंस्ट्रक्शंस की तरह। अगर आप लोगों ने ऊपर कोई भी फॉर्म ढंग से, मतलब जो भी डिटेल्स आपसे पूछी गई अगर आपने उसको इनकम्प्लीट भरा तो वो ये आपका कैंसिल हो जाएगा। दूसरी बात, एप्लीकेशन जो रिफंड फीस है विल बी जो भी ओरिजिनल फीस उसमें लिए लिखी हुई है उसी के हिसाब से, यानी आपको इसमें क्या करना होगा मैं आपको बता दूँ, बैंक की कुछ डिटेल्स है मे बी पॉसिबल वो भी आपको अटैच करनी पड़ सकती है, यानी फोटोकॉपी वगैरह, जैसा कि मैंने आपको बताया था एक एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में, आपको हो सकता है वो एप्लीकेशन फॉर्म भी भरना पड़े। अगर आप लोगों को नहीं पता कैसे भरना है फॉर्म तो आप आई बटन पर क्लिक करके एक तरीके से समझ सकते हैं। दूसरी बात में यहाँ पर वो सारी की सारी चीज़ें डिटेल्स जो आपको चेक करनी पड़ेगी सही है कि नहीं, क्योंकि उन्होंने पैसे भेज दिए और वो गेटवे से किसी और खाते में चले गए तो उस केस में आपको नहीं मिलेंगे, तो आप इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखें। इसके अलावा ये जो फॉर्म है, अगर आप देखोगे इस फॉर्म की खासियत ये है कि आप लोग वहाँ पर पहले एक SOL जाएं, अपनी पूरी डिटेल्स लेकर वहाँ पर जाकर आप भर दें इसको। हो सकता है आपका एप्लीकेशन से भी काम हो जाए, एप्लीकेशन से काम नहीं होता तो आप इस फॉर्म को फिलअप करके सबमिट करके वहाँ पर कर सकते हो। रिसेप्शन के जस्ट पीछे विंडो नंबर जहाँ पर पहले डिग्री के उसके ऊपर क्या नाम है प्रोविजनल सर्टिफिकेट जो है या आपकी जो मार्कशीट है उस पर जहाँ पर स्टैंप लगती थी वहीं पर ही आप लोगों को इसको सबमिट भी करना होगा और वहीं पर ही आप लोगों का काम हो जाएगा। मे बी विंडो नंबर 133 के अराउंड समथिंग उसके करीब में ही आपका काम हो जाएगा, उसके आसपास ही होगा। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी और आप अपने और भी मित्रों के साथ, और भी ग्रुप्स के साथ, और भी फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं गाइस हम आपसे अपनी अगली वीडियो में। सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। सो गाइस मिलते हैं हम आपसे अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।